السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. حضرات ناظرین کرام، جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، خطبہ مسنونہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یٰسین شفیع المذنبین نبی کونین تاجدار حرمین احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار پرانوار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری سروں سے تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العزت خلاقی کائنات پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے مسلمان بندوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف ہمارے ہی اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزہ فرض کر کے ہم لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تشفی کے لیے و تسلی کے لیے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والو، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو. اس لیے
ये मत सोचिए कि हमारे ऊपर भी रोज़ा फर्ज किया गया है, पहले के लोगों पर भी रोज़ा फर्ज था। रोज़ा फर्ज करने का, रोज़ा की फर्जियत का बंदे के ऊपर रब की क्या हिकमतें हैं, रब की क्या राज है क्या अपने बंदों के ऊपर रोज़ा फर्ज किया। हजरात सामाइन, ये रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला की ये बहुत बड़ी ख़ास अपने बंदों पर इनाम व इकराम फरमाया। जैसा कि रोज़ा हम रहते हैं तो आखिर रोज़ा रखने का मकसद क्या है, रोज़ा हम क्यों रहते हैं? रोज़ा रखने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, क़ुरान अज़ीम में सराहतन लफ्ज़ों में परवरदिगार ने बयान फरमाया है, ज़कात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया है कि हर माल में ज़कात दी जाती है। जितनी भी अशिया आपके घर में पैदा हों तो हर अशिया में परवरदिगारी आलम ने उसकी हद मुतय्यन फरमा दी है कि आप अपने अपने माल से ज़कात निकालो ताकि आपके माल की जो है तज़किया हो सके, आपका माल पाको साफ हो जाए, तय्यबो ताहिर हो, हलाल हो जाए। और ज़कात निकालने से गरीबों का हक मिल जाता है, यतीमों का हक मिल जाता है और आपका माल भी पाको साफ हो जाता है। ऐसा माल पाको साफ तय्यबो ताहिर अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हलाल खाने वाला, हलाल लुकमा इस्तेमाल करने वाला कभी गुमराही के दुहाने पे नहीं पहुंच सकता है। गलत कदम की तरफ, उसकी रास्ते गलत कदम की तरफ नहीं उठ सकता है। इसलिए हर चीज़ की ज़कात परवरदिगार आलम ने मुतय्यन फरमाई है। ये मुसलमानों जिस्म का भी ज़कात है। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका इनामदार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारत फरमाते हैं, लेकुल शयुन ज़कातुन व ज़कातुल जस्दी सौम, हर चीज़ की ज़कात होती है और हमारे जिस्म की भी ज़कात है। इसलिए हम रोज़ा रहते हैं कि हमारे जिस्म का भी ज़कात निकल जाए। साल भर हम बुराई के दुहाने पर रहते हैं, साल भर हमारे कदम गलत रास्ते पर रहते हैं, तो एक महीना रोज़ा रख करके हम भी अपने जिस्म की जो है पाकी, अपने जिस्म की तहारत हासिल कर लें। हमारे जिस्म से भी जो गलत चीज़ें हैं, लहूलुहान हैं, गलत चीज़ें हमारे दिल के अंदर आती हैं, ख्वाहिशात नफ्सानी, वो हमारे दिलों से निकल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल को नेक और सालेह बना दे। इसलिए हम रोज़ा रहते हैं। हजरात, रोज़ा रहने का मकसद ये नहीं है कि हम खाली भूखा रहें, प्यासे रहें, भूख प्यास रह करके, इसका नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा उस चीज़ का नाम है, रुकने का नाम रोज़ा है। मनाहियत शरईया से रुक जाना, उसकी पाबंदी करना, उसके शराइत पर अमल करना, उसका नाम रोज़ा है। और रोज़ा रख करके आम दिनों की तरह अगर आप गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, अय्याशियों की तरफ जाते हैं, तो ऐसा रोज़ा परवरदिगारे के आलम के नज़दीक वो आपके रोज़ा काबिल कबूल नहीं है। इसलिए रोज़ा रख करके आप उसके अहतमाम करें जो तमाम मनाहियत शरईया ने मना किया है,
उस चीज़ पर अमल पैरा होने का नाम रोज़ा है। और रोज़ा रख करके आप गीबत करें, चुगली करें, झूठ बोलें, इससे आपका रोज़ा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, मिल्लत के मुसलमानों, आप रोज़ा रखें तो शरीयत के दायरे में रहें, शरीयत की पाबंदी में रहें। नमाज, इबादत, तस्बीह व तहलील हमेशा आपकी ज़ुबान पर जारी रहे। इसलिए दोस्तों, अगर आप रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह, तो परवरदिगार आलम रोज़ा रखने की वजह भी आपके अगले पहले के गुनाह सब परवरदिगार आलम मिटा देगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए रमज़ान का रोज़ा रखेगा तो उसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जो ईमान की वजह से सवाब के लिए शबे कद्र का क़याम करेगा उसके लिए अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हसरात, रोज़ा रहने की कितनी फजीलतें हैं, कितनी अहमियतें हैं। इन हदीसों से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर अजीम शान इनाम व इकराम के जिक्र से परवरदिगार आलम रोज़ाना 10 लाख ऐसे गुनहगारों की बख्शिश हो जाया करती है जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नम के हकदार करार पा चुके होते हैं। नीस शबे जुमा, रोज़े जुमा की तो हर हर घड़ी में 10-10 लाख गुनहगार अजाब जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। आप गौर कीजिए कि इस रमज़ान कितना रहमतों भरा नूर से मामूर है कि जुमा के दिन हर हर घड़ी में 10-10 लाख गुनहगारों की बख्शिश हो जाया करती है। और फिर रमज़ान मुबारक की आखिरी शब की तो क्या पूछना है, जितने सारे माह रमज़ान में बख्शे गए उसके शुमार के बराबर गुनहगार उस एक रात में अजाब नार से निजात पा जाते हैं। ऐ काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनहगारों और बदकारों को भी इन मगफिरत याफ्तानगान में शामिल फरमा दे। जब कहा इस यहाँ से मैंने सख्त लाचारों में हूँ, जब कहा इस यहाँ से मैंने सख्त लाचारों में हूँ, जिनके पल्ले कुछ नहीं है उन खरीदारों में हूँ, तेरी रहमत के लिए शामिल गुनहगारों में हूँ, तेरी रहमत के लिए शामिल गुनहगारों में हूँ, बोल उठी रहमत न घबरा मैं मददगारों में हूँ। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ख़ास इनाम बंदों के ऊपर है कि रमज़ान मुबारक में उनके कितनी गुनाहें बख्श देता है, माफ़ फरमा देता है। हज़रात, ये नेकी इकट्ठा करने का ये महीना परवरदिगार आलम ने बंदों को मौका दिया है। अगर आप गरीब की हिमायत करते हैं, गरीब की मदद करते हैं, इफ्तारी करने वालों की, रोज़ा रखने वालों की इफ्तारी कराते हैं, तो परवरदिगार आलम उसके अवज़ में कितनी आपकी जो है नेकियों में आमाल लिखता है। आप समाज फरमाइए, रोज़ादार को पानी पिलाने की क्या फजीलतें हैं, क्या कमाल हैं, क्या मर्तबा है, आप उसको समाज फरमाते चलिए। सरकार मदीना आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो कोई रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार को पानी पिलाए तो वो
अपने गुनाहों से इस तरह पाको साफ हो जाएगा गोया अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये रोज़ादार को इफ्तारी कराने की सवाब है, फजीलतें हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के महीने में, इस रमज़ान के महीने में किसी रोज़ादार को अगर इफ्तारी कराए, एक घूट पानी ही पिलाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को ऐसा कर देता है, ऐसा भी गुनाहों से पाक कर देता है जैसा कि वह अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। इस तरह पाक को साफ हो जाता है रोज़ादार को इफ्तारी कराने से। हजरात साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म घर पर है या सफ़र में है या उस जगह जहाँ पानी ना मिलता हो? तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इशारत फरमाया कि यह हुक्म आम है, अगरचि फुरात के किनारे पर भी पानी पिला दे तो उसके लिए भी यही सवाब उसके नामे आमल में लिखा जाएगा। हजरात ये कहीं भी के लिए मुतलक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया कि अगर रोज़ेदार को इफ्तारी कराओ, चाहे वो घर पर भी हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे नहरे फुरात के किनारे ही क्यों ना बैठा हो, अगर उसको एक घूट पानी आपने पिला दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तारी करने की फजीलत से परवरदिगार आलम आपके सारे आमाल नामे आमाल को, सारे बद आमालियों को, सारे गुनाहों को आपको परवरदिगार मिटा देगा, और ऐसा मिटा देता है जैसा कि भी आप अपनी माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। सुबहानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर किस कदर एहसान अजीम है कि पानी जैसी अजीम नेमत हमें बिल्कुल मुफ्त अता फरमाई और दूसरों को पिलाने पर हमें बेहद सवाब भी अता फरमाता है। हदीस में है, जिसने मुसलमान को वहाँ पानी का घूट पिलाया जहाँ पानी मिलता है, तो गोया गर्दन यानी गुलाम आज़ाद किया, और जिसने मुसलमान को ऐसी जगह पानी का घूट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता, गोया उसे जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। माह रमज़ान में अपने रोज़ादार भाई को पानी पिलाने वाले के तो सारे गुनाह ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है। यह है रोज़ादार की फजीलत, कि इफ्तारी कराने की फजीलत है कि किसी रोज़ादार भाई को, किसी मुसलमान भाई को अगर आप रमज़ान के महीने में एक घूट पानी ही पिला दें या कुछ भी कोई किसी चीज़ से इफ्तारी करा दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अवज में आपके सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा देता है। रोज़ादार किस कदर खुश नसीब है कि वो चाहे जाग रहा हो या सो रहा हो, हर वक्त ही वो इबादत में है, गोया उसका हर सांस अल्लाह की इबादत में गुजर रहा है। उस खुश नसीब के लिए एक हदीस के मुताबिक सुबह शाम 70,000 फरिश्ते मगफरत की दुआएं मांगते रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को रोज़ा रखने की तौफीक अदा फरमाए। जो शख्स रोज़ा रहता है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो जाग रहा हो, तो हर वक्त हर घड़ी उसका इबादत में शुमार होता है, और उसके लिए रोज़ादार के लिए, हर रोज़ादार के लिए सुबह शाम जो है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफरत मांगते हुए हैं। उसका बिस्तर, लिबास, उसकी नालायन वगैरह तमाम चीज़ें भी उसके लिए दुआएं मांगती रहती हैं कि परवरदिगार आलम इस रोज़ादार की मगफरत फरमा दे। रोज़ादार के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह शाम मगफरत की दुआएं मांगते हैं, यहाँ तक कि उसकी हर अशिया रोज़ादार की, उसकी नालायन, उसके बिस्तरे, उसके कपड़े, उसके लिए दुआएं मगफरत मांगते हैं।
अब भला गौर कीजिए, सोचिए जिस रोज़ादार के लिए तमाम दुनिया की अशियाएँ जो है उसके लिए मगफरत की दुआ मांगती हो, तो भला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों की, अपने उन बनाई चीज़ों की दुआ क्यों नहीं कबूल फरमाएगा? फरिश्तों जैसे मासूम हैं जो उनकी दुआ परवरदिगार क्यों नहीं कबूल फरमाएगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर रोज़ादार अगर इंसान रोज़ादार बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हर रोज़ेदार की मगफरत अता फरमा देगा। चुनांचे साकी कौसर मालिक जन्नत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब मोमिन माह रमज़ान में पैदा होता है और लेटे लेटे करवटी बदलता है तो अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र में लगा रहता है, तो उससे फरिश्ता कहता है उठ, अल्लाह तबारक व ताला तुझ पर रहम करेगा। फिर जब वो उठ खड़ा होता है तो उसका बिछौना उसके लिए दुआ करता है, क्या शान है, आए अल्लाह उसको जन्नत के आला बिछौने अता फरमा, उसके लिए दुआ करता है। और जो अपना लिबास पहनता है तो लिबास उसके लिए दुआ करता है, आए अल्लाह तबारक व ताला तो उसको जन्नत का लिबास पहना। और जब वह जूते पहनता है तो वह जूते उसके लिए दुआ करता है, अय अल्लाह उसको पुलसरात पर साबित कदम रखना। और जब बर्तन लेता है तो वह बर्तन उसके लिए दुआ करता है, अय अल्लाह उसको जन्नत के बर्तन अता फरमाना। और जब वजू करता है तमाम पानी उसके लिए दुआ करता है, अय अल्लाह परवरदिगार आलम उसको गुनाहों और ख़ताओं से पाक और साफ कर दे। और अगर अल्लाह के सामने खड़ा होता है यानी नमाज पढ़ने लगता है तो उसके लिए काबतुल्ला शरीफ दुआ करता है। कितनी रोज़ादार रोज़ा रखने वालों की फजीलतें हैं कि उसके लिए काबा दुआ करे, उसके लिए उसका बिस्तर दुआ करे, उसके लिए उसका लिबास दुआ करे, हर चीज़ उसके लिए दुआ करती है। काबतुल्लाह जिसके लिए दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा कर उस रोज़ादार की मगफ़रत फरमा देगा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबतुल्लाह शरीफ दुआ करता है, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर और कुशादा कर दे। और अल्लाह उसकी तरफ नजरे रहमत करता है और फरमाता है आए मेरे बंदे तू जो कुछ दुआ मांगेगा मैं कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, माह रमज़ान में रोज़ा रखकर उसकी रहमत भरी मुबारक सातों से फैज़ उठाने वालों आपको मुबारक हो कि एक दो रोज़ा के दौरान खा आप जाग रहे हों या सो रहे हों हर लम्हा आपका इबादत में गुजर रहा है। बेनवा मुफलिसो मोहताजो गदा कौन है हम साहिब जूदो करम मुसफ़े किसका तेरा उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।